बात चाहे राजनीति से जुड़ी हो या फिर बॉलीवुड का कोई मुद्दा हो, कंगना रनौत वो शख्सियत हैं जो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती। सबसे ताजा मामला बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे से जुड़ा है। दरअसल ड्रग मामले में फंसे आर्यन खान को लेकर कंगना रनौत ने बड़ी बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि आर्यन या शाहरुख का नाम लेकर डायरेक्टली कंगना ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो बात कंगना ने कही है उसे जानकर आपको भी साफ समझ आ जाएगा कि कंगना का इशारा किस तरफ है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कंगना का वो पोस्ट जो कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है। दरअसल कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर जैकी चैन और उनके बेटे की एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो पर लिखा है, जैकी चैन ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी थी जब उनके बेटे को 2014 में ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा था, मुझे बेटे की हरकत पर शर्म आती है, यह मेरी नाकामी है और मैं उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और इसके बाद उनके बेटे को 6 महीने की जेल हुई। इसके बाद इस फोटो के नीचे कंगना ने लिखा, बस कह रही हूँ। कंगना रनौत की ये इंस्टा स्टोरी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। फैंस का कहना है कि कंगना रनौत ने शाहरुख खान पर आर्यन केस को लेकर बिना नाम लिए तीखा तंज कसा है। कुछ लोग कंगना के समर्थन में बात कर रहे हैं तो वहीं कुछ उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना ने आर्यन के मामले पर रिएक्ट किया हो। इससे पहले भी कंगना इस मुद्दे पर बेबाकी दिखाते हुए नजर आ चुकी हैं। जब ऋतिक रोशन ने आर्यन खान का सपोर्ट किया था तो भी कंगना जमकर बरसी थी। ऋतिक रोशन के आर्यन के सपोर्टिंग पोस्ट के बाद कंगना ने लिखा था, हम गलतियां करते हैं लेकिन हमें इन्हें गौरवान्वित नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये उसे एक नजरिया देगा और उसे उसके एक्शन के परिणाम का एहसास दिलाएगा। उम्मीद है कि ये उसे विकसित और बड़ा बना सकता है। ये सही है कि हमें किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए जब वो किसी परेशानी में हो, लेकिन ये आपराधिक है कि हम उसे ये महसूस करवाएं कि जो उसने किया वो गलत नहीं था। बता दें, मुंबई क्रूज में हुई ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन खान को अन्य आरोपियों के साथ 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी के टॉप सूत्रों का कहना है कि मुंबई में होने वाली रेप पार्टी पर खबर विभाग को पहले से ही लग गई थी। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को ये भी पहले से पता था कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट उस ड्रग पेडलर के लगातार संपर्क में हैं, जिसकी तलाश एनसीबी को काफी वक्त से थी। इसलिए रेप पार्टी में जाते ही दोनों को दबोच लिया गया। इस दौरान आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ बरामद हुए, जिसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया। एक्टर शाहरुख खान के बेटे को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। हालांकि उनके पास से जांच एजेंसी को कुछ नहीं मिला है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। अदालत ने एनसीबी को 13 तारीख तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। फिलहाल आर्यन मुंबई के आर्थर रोड जेल में अन्य आरोपियों के साथ है।